हेलो और वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अहमद नकवी, मैं साथ उस्मान समीउद्दीन। हम लोग 12 दिन से आपकी स्क्रीन्स पे नहीं दिखाई दिए हैं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे आई थिंक सो या आई थिंक लाइक वी हैड वाज इट 23rd और 2nd, सो 2 हफ्ते से बेसिकली हम नहीं आए, मगर हमें आपके बगैर ऐसा लग रहा था जैसे एक एक जिंदगी गुजर गई है। हाँ, और इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर यार, अपने फैंस के लिए, जो इतने करोड़ों फैंस हैं हमारे, सब पीछे लगे हुए हैं, कब कर रहे हो, व्हेन यू ड्रॉपिंग योर नेक्स्ट एपिसोड डूड्स। और मुझे तो एकदम, मैं वैसे ही हो जाता हूँ यार कि यार इतना प्रेशर है कि अब क्या करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा यही लोगों को बताते भी चलें कि हम लोग अभी एक क्या कहते हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे हैं जिसकी सिर्फ अभी वेबसाइट लॉन्च हुई है, एंड यू नीड टू सब्सक्राइब। सो वो है प्लेटफॉर्म, एक अफवाह सुनी है कि है प्लेटफॉर्म, बहुत प्लेटफॉर्म है उसका उसका जब वो आता है कि PSL कहाँ कहाँ दिखाया जा रहा है, तो बिगिन का नाम भी वहां पे आता है और आप begin.watch पे जाके सब्सक्राइब करके हमें देख सकते हैं। बट हमें नहीं लगता कि जो हमारे 17.5 फैंस है वो इतनी मेहनत करेंगे, तो क्यों ना हम लोग आके एक PSL का रिव्यू आपके लिए इस शो पे कर ले। सो या सो यू नो वी थॉट वील गो थ्रू ऑल 6 टीम्स एंड जस्ट हैव अ लुक। सो उस्मान, हु डू यू वांट टू स्टार्ट विद? I want to start with the team that is at the bottom of the table, of course. Yani aap niche se shuru karna hai na, the team that is at the bottom of the table, but the team that is still, I say, hands down the funnest team in the league. I don't think there's any doubt about that. Lahore Qalandars have, yaar, har saal, like you think, you know, aap, kaun sa ek, actually this is confession time, maine Sopranos ka har season nahi dekha hai, theek hai na? मैंने वायर एकदम नहीं देखा है, मैंने GOT भी कभी नहीं देखा है, GOT के तो मैंने ट्रेलर्स भी नहीं देखे हैं, लेकिन जो और शोज का, चलो सक्सेशन छोटा था, 4 सीजन का था, इन द थिक ऑफ इट 3 सीजन सिर्फ, जो अंग्रेज शो होते हैं ना वो तो वैसे ही 2-3 सीजन के होते हैं, मगर लाहौर कलंदर्स की जो स्टोरी है ना, दैट इज लाइक नाउ अ 9 सीजन ब्लॉकबस्टर। वी आर गेटिंग टू लाइक, मैं एक देसी वर्जन रेफरेंस पॉइंट सोच रहा हूँ कि 9 सीजन का कौन सा एक ड्रामा चला है, बट आई कैन ओनली थिंक, दिस इज हाउ लेम आई एम, आई कैन ओनली थिंक ऑफ समथिंग लाइक डैलस और डायनेस्टी, और या वन ऑफ द के ड्रामास फ्रॉम या आई वाज गोना से भाई कहानी घर घर की, या कि 9 सीजन लगातार एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल, TRPs एवरीवेयर, दिस सीजन दे हैव नॉट इवन बीन सो बैड, एंड येट ओनली टुडे we are now how many days into the tournament, yani 2.5-3 hafte ho gaye, 10 din reh gaye basically, 10 din reh gaye tournament mein, aaj jaake pehli jeet unhone hasil kari hai, lekin they have been the most amazing team throughout, absolutely. aur but iska I think ke, you know, it's not like, agar koi touchy lahori fans is baat ko nahi samajh rahe hain to ye hum bajane mein bhi nahi keh rahe, like genuinely lahore has played close matches, like I think ke 5th match tak main aur usman ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये अच्छी टीम नहीं है, क्योंकि यू नो दे वर लाइक आई थिंक सारी टीमों को सिवाय मे बी मुल्तान आपको दिखाई दे रहा था कि कहाँ उनकी कमजोरियां हैं, कहाँ पे वो हार सकते हैं, एंड विद दैट इन माइंड श्योर लाहौर वाज मिसिंग देयर बिग देयर स्पिनर राशिद दैट वी टॉक्ड अबाउट लॉट, और आज जो हमने बात की थी कि एंड आई थिंक एवरीबडी अंडरप्लेड दिस कि डेविड वीसा का ना होना कितना बड़ा इशू था लाहौर के लिए, उस सब को आप ये उस सब के मतलब टू कीपिंग दैट इन माइंड, लाहौर वाज प्लेइंग वेल एंड लाहौर हैड आई थिंक व्हेन दे गॉट ब्लोन आउट बाय मुल्तान वाज रियली द ओनली टाइम वेयर यू फेल्ट लाइक ओके दे आर नॉट इन इट, बट जस्ट दैट वी स्टे विद इट एंड वी आर डूइंग दिस ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग, सो बिग पिक्चर शाहीन्स कैप्टनसी एंड शाहीन्स परफॉर्मेंस, लाइक क्योंकि अभी वही हम अपने दूसरे शो पे बात कर रहे थे कि ही इज रियली रियली बिन, यू नो, जैसे कि नसीम शाह को आप देख रहे हैं एंड ही इज लुकिंग एवरी बिट लाइक दैट वर्ल्ड क्लास बॉलर दैट वी दैट इज हाइप सेज, शाहीन आज उसकी एटलीस्ट बैटिंग चली है, बट अदरवाइज इट जस्ट फेल्ट लाइक इस पूरे टूर्नामेंट में जस्ट इट लाइक हिज टीम
He was there, but just wasn't clicking. Yeah, you know, he's not bowled badly. He's been Yeah. okay. He's picking up those first over wickets and sab cheez hai, but there's something quite. I'm just going through the results right now. And you know, T20 leagues mein koi result kisi ko yaad nahi rehta hai. So I'm going through the results. And I think Ahmed चौथे लॉस तक, इनफैक्ट चौथा लॉस इनका कराची से था, वो जो आखिरी बॉल पे 2 विकेट से हारे थे. उसके बाद वाली जो इनकी हार थी ना, वो जल्मी से हारे थे 8 रन से, व्हेन दे या कुडंट पुट डाउन 212. उस वक्त जाके आई थिंक आई रिमेम्बर दैट वी स्टार्टेड सेइंग दैट ओके नाउ दे आर हैविंग एन एपिकली बैड सीजन. वरना चौथी हार तक लाइक यू नो दे वर्नट इन थ्रिलर्स बट दे वर गेटिंग क्लोज. एक या कैच ड्रॉप हो गया इधर, एक इसकी इनिंग्स चली गई, वो सब यू नो इट वाज गेटिंग क्लोज बट दे वरंट क्वाइट देयर. एंड शाहीन हैज आल्सो बीन लाइक दैट. शाहीन हैज बीन हीज टेकन विकेट्स, हीज बोल्ड वेल, हीज लेड ओके. आई थिंक यहां पे वीसा बहुत बड़ा मिस हुआ है बाय द वे. आई पर्सनली फील लाइक वीसाज कैप्टनसी, वीसाज लाइक लीडरशिप ऑन द फील्ड हैज रियली हेल्प्ड शाहीन ओवर द लास्ट 2 सीजन. आई थिंक वो मिस हुआ है बट he's been doing okay. Today he came up the order and you know he hit 30 off 14 balls or whatever. Then he came back and took some wickets as well. I think a top pilli wicket, a end pilli wicket, which is what you want from him. And yet somehow they are sitting on a 1-6-1 season right now, which is आई थिंक ये yeah. अभी अभी जो ये शाहीन के बारे में बात की है ना, तो उससे मुझे अपना अपना जो सवाल था वो बेहतर समझ आया, क्योंकि मैं अगर ये पूछ रहा हूँ ना कि वो शाहीन के ऊपर क्या ख्याल है, इज नॉट क्लिकिंग, इट्स ऑल्सो बिकॉज पर्टिकुलरली लास्ट सीजन एंड रियली द लास्ट 2 सीजन्स शाहीन का इतना एक माइडस टच चल रहा था पीएसएल में, कि वो जो कर रहा था वो अपने आप को ऊपर लाता था, वो 50 बना देता था, वो मतलब बॉलिंग चेंज करता था, विकेट आ जाती थी, वो यंगस्टर्स को ला रहा था, वो भी चल रहे थे, यू नो द वेटरन प्लेयर्स वर गोइंग वेल, दे वर पुलिंग ऑफ लाइक क्लोज विक्ट्री, लाइक हाँ इट रियली वॉज मे बी कि जहां पे वहां उनकी थोड़ी ज्यादा किस्मत चल रही थी, अब वो पूरी मतलब यू नो पासा दूसरी तरफ पलट चुका है, कि वेयर यू फील लाइक ही डिजर्व्स मोर एंड लाहौर डिजर्व्स मोर देन वेयर दे आर, it just hasn't happened. And they're also missing, like, But you know, Aris Rauf is a big miss for them. Aris Rauf, yes. injury hoi hai, lekin even before the injury, I think the day he got injured, the game he got injured was the first time he actually bowled well. It was in the Karachi Yeah. game, I think. And that was the game that it was like, oh, okay, this is Aris, and he's bowling well now. In fact, वो ये कि आई थिंक शाहीन पे अगर आप नंबर्स और परफॉर्मेंसेस देखें तो इट्स रियली नॉट दैट डिसअपॉइंटिंग व्हेन यू कंपेयर टू फखर का बहुत बुरा टूर्नामेंट जा रहा है, यू नो वीसा ज्यादातर टूर्नामेंट खेला नहीं है, अब्दुल्ला शफीक ऑल्सो यू नो आज वापस टीम में था, ही इज बिन इन एंड आउट बिकॉज ही ऑल्सो हैजंट बिन गोइंग, हारिस रऊफ गॉट इंजर्ड राइट व्हेन इट लुक लाइक ही कैन गो, आई थिंक जमान खान बिन अ गुड थिंग, और फिर मैं वही कहने लगा था कि जो हमने पहले भी बात की थी कि जहानदाद इज रियली वन ऑफ देयर बिग काइंड ऑफ ब्राइट ब्राइट स्पॉट्स इन दिस टूर्नामेंट सो फार, एंड अगेन लाइक वही इट स्पीक्स वेल टू द फ्रेंचाइज के एक दफा फिर से यू नो इनकी रिक्रूटिंग स्काउटिंग वगैरह पे दे हैड अ हाँ, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, सो इट्स एंड नॉट रियली रासी इन द समबडी टॉप, रासी हैज बीन मैसिव फॉर देम. यू नो वेरी ही मच सो, वेरी नाउ, मच सो, आज उसकी आखिरी गेम थी, ही इज गॉट टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका, बट ही इज बीन गुड. साहिबजादा फरहान हैज आल्सो शोन इन बिट्स एंड पीसेस. यू नो दिस इज व्हाई आई थिंक वी थॉट कि यार चलो राशिद खान का लॉस हम लोग इतना ओवरप्ले कर रहे थे, और सही हद तक कर रहे थे. बट you know you take out all those factors, Abdullah Shafiq not having a great second season after having a good season last season, Haris slipping up a little bit, Shaheen and Zaman have been okay. You know, 10 and 11 wickets they've picked up. Shaheen's picked up 11, Yeah, Zaman's Zaman 10. Khan, actually, I just really enjoy Yeah, watching this guy. Zaman has been really good to watch. Jahandad is a great find. So that's why we've been feeling yeah, how like, and now only in the last few losses we've been like, okay, this is an epic bad season for them now. And you know, I mean, it's almost over. I think it's pretty much over for them. Ab kuch nahi kar sakte hain wo log. I guess they can, you know, maybe give some performances. Maybe they can get some of them back in form. Some of the players who've been out of form, maybe they can get them back in form. A little bit of confidence for Shaheen because usse Pakistan ki bhi kaptani apnani hai. Although I don't know, people keep saying ke yaar ye Mohsin Naqvi aaye hain to phir Babar Azam bhi wapas aa jayenge. Aur jo unke पहले कुछ दिनों की जो हरकतें हैं, लाइक आई वुड नॉट बी सरप्राइज एट ऑल इफ ही इज द काइंड ऑफ गाय कि यार बाबर इतना जबरदस्त T20 बैटरों से वापस ले आओ, कप्तान बना दो. लाइक आई वुड नॉट बी सरप्राइज एट ऑल इफ ही इज द काइंड ऑफ गाय हु डज दैट. सो
there's something for them to play for, but yeah, it's been a disappointing like defense. They're two-time champions, man, and to be like this now after two times, I think it would be fitting and appropriate if they did not finish bottom of the table. I feel like given how they've been, although it would be hilarious if they did. सो आई थिंक क्या मतलब लाहौर के आप ये 9 सीजन देखें जिसमें दो दो में जीते हैं एक और फाइनल खेला है, तो ये 3 आपने निकाल दिए एंड बाकी 6 में दे टेंडेड आई थिंक लाइक एटलीस्ट मे बी 3-4 होंगे जिसमें बिल्कुल डिजास्टर आए, बट दिस इज एटलीस्ट द सेकेंड और थर्ड टाइम जहां पे लाहौर इज नॉट बिन दैट बैड, बट यू नो दे कीप काइंड ऑफ गेटिंग द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। लाहौर 6 नंबर पे और मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ कि वो एटलीस्ट 5वें खत्म हो, क्योंकि और आई थिंक कि मैं जो कहूँगा तुम भी इससे बिल्कुल मुत्तफिक हो कि हमें कराची से बेहद प्यार है, या मुझे कराची से, चलो मैं अपने लिए बोलता हूँ, मुझे कराची से बेहद प्यार है, इसके लोगों मुझे भी से, है, ये भी है। कि मैं लोगों से, इसकी सकाफत से, इसकी तारीख से, एब्सोल्युटली लाइक आई लव डिस्कवरिंग, इट्स अ शिटी सिटी बट इट्स माई सिटी, आई ग्रू अप हियर, आई लव डिस्कवरिंग न्यू पार्ट्स ऑफ इट, आई लव being surprised by it and yeah I know its problems, but मुझे तब भी इससे बहुत मोहब्बत है, but if there's one thing जिससे मुझे कराची में नफरत पैदा होना शुरू होती है वो कराची किंग्स है, और कराची किंग्स का कि लाइक यू नो फॉर लॉन्ग टाइम इस अब मैं इनके बारे में यही शिकायत करता रहता हूँ कि हर दफा अपने ARY के मस्करे ले आते हैं कि वसीम बादामी खड़ा है और वो खड़ा है, और यू नो कि अक्सर वो उनके प्रोमोज में प्लेयर ही नहीं होते थे, और मतलब सोशल मीडिया पे भी कि जी थैंक यू पखाना स्पॉन्सर एंड चूतिया स्पॉन्सर एंड फलाना स्पॉन्सर एंड मतलब इसी उन फजूल चीज़ों में लगे रहते थे, दे नेवर फेल्ट लाइक दे हैड एन आइडेंटिटी, नेवर फेल्ट लाइक द टीम, बट एटलीस्ट फॉर समवन लाइक मी एंड आई विल बी ऑनेस्ट कि मैंने क्योंकि मैंने अक्सर PSL में काम किया है, लाइक यू नो यू सो इन द डे टू डे दैट यू फॉरगेट द बिग पिक्चर, एंड आई थिंक के इतने सालों से एंड ऑब्वियसली ट्रोल करने का लाहौर में मजा आता था, तो मेरे दिमाग में था कि यार लाहौर बिन द वर्स्ट टीम इन द PSL। इट शॉक मी टू डिस्कवर दैट इवन नाउ विथ 6 डिफीट्स लाहौर स्टिल हैज 4 less defeats ओवरऑल इन PSL हिस्ट्री देन कराची डज। That's amazing. इट्स This वाइल्ड is one of those facts. This is one of those post hoc facts when you don't know it and then you find out or somebody tells you or फिर उसके बाद से it all makes sense. Like it is completely logical, completely makes sense. Why wouldn't तो they do? फिर अब Because they've always कराची been the worst team, actually. एंड सो मतलब बड़ी तो यू नो द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर प्लेड वाज मेकिंग यू बिलीव दैट ही डजंट एग्जिस्ट, लाइक कराची इज ग्रेटेस्ट ट्रिक इज मेकिंग यू बिलीव दैट दे आर नॉट टेरेबल, या That क्योंकि क्योंकि कराची किसी भी PSL सीजन में 5 से ज्यादा विन्स नहीं लिए हैं, दैट दे हैव नेवर Simple. गॉन अबव 500 टू Simple. यूज एन अमेरिकनिज्म, मतलब Good. 50% से ज्यादा ऊपर ये कभी मैचेस नहीं जीते हैं, जो ऑब्वियसली सारी टीमें कर चुकी हैं एट दिस पॉइंट, एंड यू नो एवरीवन्स हैड डोमिनेंट रन्स, एवरीवन्स हैड मतलब ये जो टूर्नामेंट जीते भी हैं उसमें आई थिंक इट वॉज द क्लोजेस्ट ग्रुप टेबल ऑफ ऑल टाइम वेयर द हाइस्ट वॉज 6 विन्स एंड द लोएस्ट वॉज 3 विन्स, 3 टीम्स वर टाइड ऑन 5 विन्स, और ये कोविड की वजह से वो 6 महीने बाद टूर्नामेंट आया था, आधी टीम थी आधी नहीं थे, प्लेयर्स थे नहीं थे वो थे, उसमें इन्होंने एक टूर्नामेंट जीत लिया जो आई यार थिंक बड़ा वो मतलब उस दिन हम लोग यही बात कर रहे थे और फिर हम दोनों ने कहा कि यार वो भी बहुत ही एक बकवास सी टीम थी और फिर ऑफ बहुत कोर्स बहुत मिथ बस्टर हसन चीमा ने आके कहा कि यार बड़ी वो एक्चुअली तो बड़ी गन टीम डीन मरहूम डीन जोन्स ने बनाई थी कि बाबर आपका एंकर और फिर हिटर पे हिटर ये वो शरफेन ब्रदरफर्ड भाई एलेक्स वो वो ये एंड आई वाज लाइक ओके या आई गेट वेयर यू गोइंग बट यार डूड सीरियसली अगर बाबर और एलेक्स हेल्स के अलावा मुझे कोई कराची के प्लेयर्स बता दे उस सीजन से जो उनका टाइटल नहीं विनिंग नहीं नहीं सीजन तो ये चीमा भी बड़ा मैं भी कराची मतलब ना है चीमा मिटा तो दूंगा डिस्क्रेडिट हो चुका है वैसे ही ना, क्योंकि चीमा हमेशा आपको ऐसे 10-15 वो क्या कौन है यार वो जो जो मौलवी है जो आयत नंबर 1 वर्स नंबर 32 आई टेल यू ब्रदर क्या नाम है उसका,
रहमान क्या ना, जाकिर समथिंग, नहीं इज इट नहीं दैट नहीं गाय? जाकिर नाइक तो टीवा जाकिर बेसिकली क्रिकेट क्रिकेट का जो है ना वो जाकिर नाइक बन गया ना, हर दफा आपको ले आता है कि बॉल नंबर 31 स्ट्राइक रेट नंबर 32 मड़ा। मगर ना कि भाई मैं खुद देख रहा था उस पे पेशा के हिटर पे हिटर उसने डाले हुए, बट दे वर्नट हिटिंग राइट। लाइक के टॉप 10 या 20 बैटर्स में कराची के सिर्फ दो बंदे थे, हेल्स और बाबर वाज द टॉप स्कोरर, बट लाइक एवरीवन एल्स जो भी हिटर शिटर थे उन्होंने कुछ खास किया नहीं। ओह माय गॉड और फिर बॉलिंग में भी लाइक इट्स आमिर एंड देन इट्स लाइक वकास मसूद एंड उमैद पता नहीं कौन आसिफ कौन एंड बनेगा, दीप को अरशद यू नो इकबाल हु साउंड्स लाइक या स्टेक होल्डर इन एआरवाई ओनली, एआरवाई का कोई सीनियर मैनेजर एचआर अरशद इकबाल हेलो। तो बेसिकली सब बोलने का मकसद यही है कि अभी भी मतलब ना कराची की टीम को देख के एक अजीब घिन सी आती है मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ना, कि अब अभी भी मतलब पता नहीं कौन खेल रहा है इनके लिए सिवाय कायरन पोलार्ड है, जो वो बॉय उसने 2-3 मैचेस उनको खुद अपने हाथों से हाँ जितवाए, हाँ और किसी ने बड़ा खूब कहा कि यू नो यू कांट बी मोर कराची आइट देन लीविंग इम्पोर्टेंट वर्क टू गो अटेंड अ ढोलकी। डेफिनेटली शाउट आउट टू अरिहा हु सेड दैट, बट दैट्स स्पॉट ऑन। मगर दैट क्योंकि मतलब ये यू नो दे ऑब्वियसली दे वन अ मैच टुडे ओनली एंड यू नो के देव हैड दिस नैक कॉकरोचियन नैक ऑफ नेवर रियली डाइंग आउट, लाइक लाहौर का यू नो दे यार मैं जस्ट एक चीज इम्प्लोड। सच्चे सच्चे दिल से बता रहा हूँ, आज ही मैच जीता है उन्होंने, पहला मैच आज का जीता है, लाइक द हाँ फर्स्ट गेम टुडे। आई डू नॉट रिमेम्बर अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑलरेडी, ऑल आई नॉट लाइक रिमेम्बर वाज कि आई कैन इवन क्वेटा नेम ब्लू इट। प्लेयर राइट नाउ, आई लाइक आई वुड हैव टू थिंक कि यार कौन इनका एक बहुत जो कोई, बिकॉज कराची हैव नेवर हैड एनी, वही हम लोग उस दिन शो पर भी कह रहे थे कि लाहौर फॉर ऑल देयर फॉल्ट्स फॉर ऑल देयर क्लाउनरी दे एटलीस्ट हैड सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी कि अच्छा ये हर सीजन लास्ट फिनिश होंगे, फिर अगले सीजन एक बहुत बड़ा नाम लाएंगे और वो बड़ा नाम ऑलरेडी बर्बाद हो चुका होगा उस वक्त तक, या ढोलकी पे चला जाएगा या क्रिस गेल होगा जो कराची फैशन वीक में आ जाएगा, यू नो वो हमेशा ऐसे ही कुछ, एटलीस्ट इट वॉज समथिंग कराची के साथ क्या। तो यार बाबर आजम और स्नेक्स सजीद खान ओपन कर रहे हैं, वाह मजा आ गया यार, सजीद खान जो वही एक के आमिर खेला है वहां से, इमाद खेला है, बाबर खेला है, मतलब वो ब्लास्टर ऑन टॉप थे, यू नो लाइक इट वाज जस्ट लाइक कम ऑन यार, व्हाट आर यू गाइस। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कराची है क्या। मैं यही कहने लगा था कि भाई एटलीस्ट दैट बाबर इमाद आमिर एरा दे सीम टू हैव लाइक यू नो गाइस हु मे बी वो WWE में जो सिमिलर। जनरेशन आई थी एक्स जनरेशन, ये वो व्हाट वाज इट ट्रिपल एच एंड एक्स पैक, हाँ हाँ दैट एनर्जी एटलीस्ट, यू नो द हील एनर्जी दैट्स एटलीस्ट। एक्चुअली अ वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट, श्योर या लेट्स गिव इट दैट। बट आई थिंक अब तो वो भी नहीं है राइट, लाइक आपके पास बेचारा एक शान मसूद है जो यू नो मजलूम बेचारा, उसकी मजलूम उसकी बेचारा इज लाइक ही हैड सम गुड पीएसएल्स, दिस इज नॉट वन ऑफ देम। वेरी मच नॉट वन ऑफ देम। बट यू नो बेचारा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट उसका तो आपको नजर आ रहा है कि वो मैच जीतने की कोशिश हाँ में कोशिश लगा है, कर क्योंकि बाकी सारे देश एंड हसन अली प्रॉप्स टू हेम, इनफैक्ट आज रहा वाले मैच में भी हसन अली ही था जिसके बारे में हमने यस, पहले भी हसन अली बात ने की चार थी। विकेट ली थी हसन अली या सो ने। हसन अली इज डेफिनेटली देयर, बट यू नो एंड देन बोथ ऑफ अस रियली लाइक वो क्या नाम है जो जो दैट स्पिनर दैट दे हैव द व्हाई एम आई ब्लैंकिंग, जाहिद महमूद सॉरी। जाहिर में सो हाँ या सो यू नो ओके फाइन, बट रियली लाइक देव जस्ट ए देव नॉट रियली क्लिक्ड इन देयर टीम सेलेक्शंस आइदर। देव ऑल्सो हैड दिस मोमेंट, टिम साइफर्ट को लाइव कीपर वो भी कैचेस छोड़ रहा था, मतलब यू नो तो ही डन अ बिट बेटर सिंस देन, बट या इट जस्ट फील्स लाइक ए टीम दैट्स काइंड ऑफ यू नो कि आपको जब सैटरडे पे बॉस बुला देता है ऑफिस तो आप आ गए हैं एंड यू नो लाइक आप कर गए रहे हैं या और मे बी यू नो फॉर लाइक एन आवर और सो यू आर रियली प्रोडक्टिव एंड यू गेट गॉट समथिंग डन, बट मोस्ट ऑफ द डे यू जस्ट डोंट वॉन्ट बी देयर, बट कांट वेट फॉर इट टू बी यू नो ओवर। व्हाट, इवन ऑन द आई यूज्ड टू डू दीज हाफ डेज, सैटरडे को हमारा हाफ डे होता था डॉन पे, ठीक है ना, हम लोग जाते थे और एटलीस्ट ये था कि यार सैटरडे किसी को काम नहीं करना, एटलीस्ट तफरी कर लो, That's कुछ the एक्स्ट्रा। Lahore team. That's the Lahore team वो तो coming ये to work on देखा कि वो कराची Saturday. पे आती ही नहीं है, सिर्फ वो बेचारा हसन अली और कायरन पोलार्ड आज एक दूसरे को ऐसे पॉइंट करके करके थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ले आए,
They upped like the value of Karachi Kings this season by like 150% just with that little gesture, you know? Because otherwise it's just so, it's like somebody sucked all the life out of Karachi and put it into and produced Karachi Kings. Puri agar aap Karachi mein se jo bhi life hai na wo nikal le nichod le ekdam aur phir ye liya aap Karachi Kings aapki team ban gayi. So I mean, I think the nicest thing I can say about them is that they are at the start of a rebuild. You know, Haider Azhar is gone there, Phil Simmons is the coach now. They're at the start of a rebuild. Maybe next year they'll realize that Shoaib Malik is actually not a T20 great. Never has been. My word. Somehow man. He's pulled the dapper to the D, has somehow pulled himself off as like some T20 great. He's not. Never has yeah. been. एक ये इस पे शोएब मलिक पे अगर मैं कुछ लफ्ज बोलना चाहूंगा कि 2016 में मैंने आर्टिकल लिखा था कि मलिक निकल गया था टीम से और वो सिर्फ यू नो अपनी मीडिया प्रेजेंस की वजह से टीम में वापस आ गया ये वो और द गाय स्टिल रेलेवेंट 8 साल मतलब कि 2016 में था कि भाई 15-20 साल हो चुके हैं अब जाने दो इसे और लिटरली हो चुके पता नहीं कब से कायदे आजम के जमाने से शोएब मलिक खेले जा रहा है 99 का डेब्यू है इनका There we go, man. Anyway, so I think I just wanted to put it out there that apple to the D, chapel to the C, chapel to the C. And they are the worst PSL team of all time. And I think, like, you know, they still might make it to the season. I think if they make it to the playoffs, then we personally need to go and delete Islamabad United. Yeah. I think and we can move on to Islamabad United nicely now. Yeah, because I think Islamabad United definitely, you know, ek to ke I worked there. Both of us have a lot of mutual friends there. So I think I may have nailed the analogy for Islamabad United for me at least. Okay. Yeah. So if you ever wanted to feel like you're on the wrong side of the culture wars against wokeism. Right. So because, you know, I would broadly say that you and I are both on the right side, that we have empathy, we do this, whatever. But if you ever want to feel what it's like to be on the wrong side of that, so against all this wokeism, I kind of feel like that about Islamabad right now. I'm like, nahi, dimag se nahi. Tum log dimag se nahi khel rahe. I feel like everything they're doing, you sub ye hai, hum wo kar rahe hain, hum hitting karenge, Mike Hessen ko humne la diya, chashme pehen ke nerdy lagta hai, aur aise hai, wo hai, upar se niche ye strategy hai, superstars bhi rakhe hain. Dude, you guys are 3-4 from an 8-game season so far. You are losing games to like Lahore Qalandars. You're losing games to... Did they lose to Karachi Kings? I think they... No, that was the game that was, I think, rained off. No, but they had that epic collapse against Peshawar, right? It's like they have it all the time. It's like the calling card is the epic collapse. Bahut hi yaar, like Islamabad United, I'm sorry, just like a pox on your house, man. You know, they in fact, I would say they are living up to, well, they're a bit more colorful, but they're living up to their city's reputation more than Karachi Kings have lived up to their city's reputation. I mean, Karachi Kings too has lived up to like those of reputation. So, they're just horrible. I think Islamabad ka jo ek, ye actually kafi ahem baat hai, ke they went from like, you know, this being this team that was renowned for being analytical, being really smart about it, and but it wasn't just hype, like they definitely were. They won again, they were very successful, exactly. And in fact, uske baad bhi, they've had, you know, they had that horror season in 5 and then in 6, like they literally won everything but then just lost in the playoffs. And so again, you know, they were a dominant side, but wahi baat I think bilkul sahi hai ke they're also in a bit of a rebuilding phase, and you know, because of the good, nice social media and the fun uniforms and the Food Panda ads and whatever, like I think ke thoda sa, like they've been disappointing for a little while now. And this tournament might have been reminded of that, because you know, I think we make the 6 was the last time that they were really dominant. Since then, they've repeatedly done this where a couple of matches you're just like, yaar, Islamabad ne har angle pe chuk liya hai ke, ऊपर से इनके गोरे मार रहे दबा के, फिर इनका कोई अच्छा एंकर आ जाएगा, फिर इनके पास हिटर्स आ जाएंगे, दे हैव गॉट लाइक 3 गाइस हु आर बॉलिंग एट 150, 2 स्पिनर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, और वही टीम फिर मतलब तबाह बर्बाद होके मैचेस हारेगी भी, लाइक यू नो टुडे द वे दे हैव लॉस्ट अ फ्यू आवर्स अगो, कंप्लीटली कोलैप्स्ड राइट एट द टॉप. The one that they lost to Peshawar, where they are, you know, just completely implored in the chase.
द वे यू नो कि एक जमाने में भी था कि इस्लामाबाद चेजिंग में अगर हार भी जाए बट यू कुड रियली सी अ वेरी स्मार्ट अप्रोच टू दैट चेज. नाउ यू आर नॉट गारंटीड ऑफ दैट. एक दिन यस इस्लामाबाद विल प्ले रियली वेल एंड देन सम अनदर डे इज जस्ट इज फॉलिंग अपार्ट. वाह I would call out the fact that they have a lot of good players in that side. It's not like, you know, the rebuild hai thoda bahut, you know, Mike Hessen and all, new coach and everything. But dude, they've got some crazy talent here. Naseem Shah, Hunain Shah is clearly like a big name waiting to happen. Azam Khan, Shadab, you know, the best T20 cricketer in Pakistan probably at this moment still. It's not like they don't have good cricketers. They have a really good like side. They should be doing much more than they are right now. They should not be 3 and 4. It's as simple as that. Salman Agha, who's a but great. वहां पे but जी आई थिंक यू काइंड ऑफ सेड इट राइट लाइक के दे हैव गुड प्लेयर्स बट इफ यू लुक एट दैट टॉप ऑर्डर दैट्स वन एरिया ऑफ कंसर्न एंड देन सेकेंडली आई थिंक अगेन लाइक एट द मिडिल ओवर्स इट्स यू नो देयर्स दीज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फेजेस वेयर यू नेवर मतलब यस शादाब खान इज गुड बट वही है कि शादाब खान पे या तो बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस हो जाती है और शादाब हिमसेल्फ इज हैविंग सम या वेरिएबिलिटी तो फिर ओवर स्मार्टनेस इज हो दैट जाती है कि कभी 3 आ गया, कभी फिर 5 6 आ गया. अरे यार, यू कैन फ्लोट, यस, बट यू आर अ मच मच बेटर बैटर देन जस्ट बीइंग अ फ्लोटर. यू डोंट नीड टू बी फ्लोटिंग अराउंड. दैट्स लाइक समटाइम्स दिस काइंड ऑफ ओवर स्मार्टनेस दैट आई फील लाइक इट. एंड आई नो आई साउंड वेरी लाइक योर इमिग्रेशन बहुत हाई हो गई है, निकालो इन सबको, ये सब. आई समटाइम्स फील लाइक, डूड, जस्ट प्ले इज द बेस्ट बैटर इन द साइड. ही इज द बेस्ट बैटर इन दैट साइड. Like there's no doubt about that. He can play the rebuilding innings. He can play the basher innings. He's the best against spin. He's the best batter on that side. Just give yourself, let yourself be the star of that team. You know, कभी कभी अपने बॉलिंग को 10वें ओवर में ला रहा है and all. Like, dude, just you are the इमरान खान ऑफ दैट लिटिल यूनिवर्स. बी दैट गाय, बी द मेन कैरेक्टर. जितनी मेन कैरेक्टर एनर्जी बाबर को हर टीम में मिलती है ना, उतनी शादाब अपने आप को कभी अगर दे दे, अलाउ कर दे, इजाजत दे दे, तो देन I don't know, maybe he can carry like even middling side sometimes. He has to be the main guy now, right? Ninth season of the PSL for him. Ninth season. If this is not the time for him to be like really breaking out into big character, main character energy, then when is? Eighth season, just to be fair, he wasn't in the first year. Oh, But yeah, second part. I Yes, think ये second काफी अच्छी part. बात की है क्योंकि वही हम पेशावर की तरफ आएंगे और ये बात पहले भी किया था कि यू नो बाबर जिस टीम में भी जाता है बिकॉज ऑफ हिज स्टारडम बट ऑल्सो उसकी बैटिंग का तरीका. T20s में आपके पास अक्सर कोई चॉइस नहीं होती है बट टू बिल्ड द टीम अराउंड हिम. यू नो और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि इस्लामाबाद में दे सीम टू बी अगेन वही अपना सोशलिज्म फैलाना चाह रहे हैं कि चल भाई अब सब तू भी आ जा मैं भी आ जाऊँ ये वो. आई ऑल्सो फील दैट आई वॉज अ बिट आई थिंक इमाद वसीम्स बिन अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर देम. आई Very यू नो disappointing. लाइक अदर देन द जोक्स वगैरह इट फेल्ट लाइक इट कुड हैव बिन अ रियली स्मार्ट मूव. अ रियली एक्सपीरियंस क्रिकेटर हु अगेन लाइक इज प्रोबेबली कराची किंग्स बेस्ट और सेकेंड बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. Yeah, यू नो लाइक all the विच इज fame नॉट for सेइंग मच him. बट हाँ बट वो ही आई फेल्ट ही कुड हैव बिन अ वेरी यूजफुल थिंग. इज जस्ट या लाइक आई थिंक उनकी काफी सारी चीजें देयर 3 एंड 4 इट्स ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट कमिंग टुगेदर एंड एट दिस पॉइंट यू आर काइंड लाइक मैन यू गाइज हैव अ गुड कैप्टन गुड कोच एंड अ गुड स्क्वाड यू शुड नॉट बी सो अनप्रिडिक्टेबल एंड ब्रिटल. Why you not good? Basically, या you have a good coach, you have a great setup, you have a great team environment, you have one of the hottest stars in the game, in the Pakistan game, in Naseem Shah. You have the other guy who should really be the captain of your national T20 side, who's the best all-rounder there. You have Hunain Shah, who's one of the most exciting guys on the Pakistan scene right now. So that's like six, and you have Azam Khan, seven. नो और इस पे मैं अब अपने दोस्त की तारीफ कर रहा हूँ बट आई एम जस्ट गोना गो एंड से इट लाइक यू गॉट एक्सट्रीमली टॉक्सिक पीपल इन अ लॉट ऑफ लाइक यू नो दिस वन ऑफ द टीम्स जिसमें मैं और आप दोनों जानते हैं कि वहाँ पे जो नए खिलाड़ी होते हैं उनकी डेलियाँ वो जो है रख लेते हैं और उनके उनके मतलब उनको पैसे नहीं दे रहे होते हैं टाइम पे. आपके पास और टीमें हैं जहाँ पे कोचेस और ओनर्स के पास कभी वक्त ही नहीं होता है कि क्रिकेट वाली चीजों हाँ पे फोकस करें. यू नो यू गॉट अ कपल ऑफ गाइज हु आर लुकिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स मोर देन दे आर लुकिंग टू प्रमोट देयर प्लेयर्स एंड देन यू गॉट
Islamabad, where the ownership's been very good all these years, they've never, created the kind of gaffes and stupidities that a lot of the other owners have done. And then they've got Rehan there, who was with the national team, who is beloved by the players, who has been there for 9 years, who set up like a very solid place. Like, I think, शादाब को जितना भी कॉन्फिडेंस चाहिए, जरूरत है, नहीं है, he's getting that. Like, Rehan's proven himself at not just different levels, but at different competitions as well. So exactly that. यार आप मतलब at this What point do you आपको want? क्या होना What चाहिए? more do you want? You've And got I think the best brothers, cricketing brothers in the world since bloody the Mohammed brothers were playing here. Since Hanif Mohammed, Mushtaq Mohammed, and Sadiq Mohammed. Like you've literally got these guys, and yet you're still 3-4-1, and really like just underwhelming. On days like today, underwhelming. रन बना लिए वरना यू आर अंडरवेलमिंग ऑल डे. एक तो ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है कि जैसे आई थिंक वन रीजन दैट कराची इतना बेइज्जत नहीं है ना पीएसएल की तारीख में, दे हैव गॉट अ क्रेजी रिकॉर्ड अगेंस्ट लाहौर. लाइक दे विन द डार्बी, आई थिंक द रिकॉर्ड इज 12-5. कन्वर्सली, नो मैटर हाउ स्टूपिड लाहौर हैज बीन, दे मैनेज टू बीट इस्लामाबाद क्वाइट रेगुलरली. मतलब वी मैं देख रहा था, आई थिंक 6 में से 5 हार चुके हैं या 7, पता नहीं, समथिंग क्रेजी लाइक दैट, एंड दे हैव अ बैड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम. बट या आई थिंक ये वो है. सो कमिंग ओवर टू अ साइड दैट आई थिंक शुरू में हमें लग रहा था कि काफी कमजोर होगी, बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ इट हैज अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स, इट हैज अ लॉट ऑफ चेंज फेसेस. बट पेशावर जलमी इज द ओनली टीम टू बीट मुल्तान इन दिस टूर्नामेंट, Twice, एंड दे डिड इट ट्वाइस. एग्जैक्टली, द टीम दैट हैज रियली सीन बाबर really step up his batting for the last couple of games, and it's made a big difference to them. And then ki even though unki bowling mein experience, ek to unhone phir your favorite guy, what's his name, Kuba Yaqoob, my god dude, like what a find, what a Legend, find. leading wicket taker for the franchise, by the way, today. Yes, As of now, leading wicket taker, 8 wickets, at an average I've of. been very pleasantly surprised by Peshawar. And he inflicted, of course, Arif Yaqoob inflicted the greatest collapse of this season, which was on Islamabad. Yes, yes. 5 wickets and 4 wickets in one over, when they were chasing something that Azam Khan had basically brought them to the brink of victory. Or for Arif Yaqoob, Asad, we love him, Pipi ka, one of the original members, who his he was the first guy. He spotted him on the group and said, "Ki yaar, ye Arif Yaqoob se badi ek clubbya vibe aa rahi hai." And we're like, "Yeah, actually, you're right. He is like just basically a club level kind of bowler who's just super sharp. And you can tell that he is, his background is that he's played a lot of MNC cricket in Karachi and stuff, like multinationals ke liye khela hai usne. So he's like one of those, gun hires that they bring him in. He's a ringer. They bring him in for these tournaments and stuff, and he's just really good. He knows what to do. He's got that control. I think he's made his first class debut this season. He's like 29. Looks like he might, must be like 38 actually, but It he looks looks like 20. he's the father of a 29-year-old. Exactly. And he's done really well, and I love it, yaar. I feel like so good for him that itni der pe wo aaya hai is bade level pe. Like this season, he played for SNGPL, so he can't be that bad. Obviously, he's good. But it's great to see him there. And he's been like, in some ways, he's not been the highlight of Peshawar, but I think he's encapsulated something unexpected about him. कि कोई I ये think सोच yeah. किसी की सोच नहीं थी कि आरिफ याकूब आके हाईएस्ट विकेट टेकर होगा पेशावर जल्मी के लिए, एंड फॉर व्हाट इज सपोज टू बी द वीक लिंक फॉर देम, देयर बोलिंग, दैट ही वुड एक्चुअली काइंड ऑफ होल्ड इट टुगेदर. बिकॉज आप उनके अदर दूसरे बॉलर्स देखें, आपके जो फेवरेट हैं क्या, स्वाद सुलेमान, मैन, आई कॉल हिम स्वाले नाउ स्वाले भाई, ओनली, उसका नाम ही भूल चुका हूँ. स्वाले भाई. Although now they've got they've got Naveen in. Naveen ul Haq has been good. And man, Mehran Mumtaz was all kinds of fire in the one and only game that he's played. He was very, very good. He was very solid. So, but they've kind of cobbled together this attack, and they're doing really well. But of course, it's the batting that's kind of taking the plaudits, right? And like I think you've been talking about Babar quite a fair bit this season. So there's a actually I just looked at this and I didn't realize this is crazy. So पेशावर की टीम एक मैच इनका बारिश की वजह से अबैंडन हो गया, ठीक है. उसके अलावा हाँ
ये क्वेटा से हारे पहला मैच 16 रन से, फिर इनको कराची ने हराया 7 विकेटों से, हाँ और खास तौर पे उस वक्त 0-2 वी वर लाइक ओ मैन देयर नॉट गोना डू हाँ वेल. um, ये then they तो lose to Islamabad by 29 runs. So they've lost the three matches pretty या comprehensive. Maybe not the Quetta one, but the other two, pretty famous. इन्होंने जो चार मैचेस जीते हैं उसमें कुल मिला के ये 25 रन से जीते हैं. सो दे बीट मुल्तान बाय 5 रन्स, दे बीट अमेजिंग लाहौर बाय 8 रन्स, दे बीट इस्लामाबाद बाय 8 रन्स, दैट्स 21 इफ यू कीपिंग काउंट, एंड देन दे बीट मुल्तान अगेन बाय 4 रन्स. दैट्स वाइल्ड. देव हैड यस फोर स्वाले विक्ट्रीज भाई वाले भाई डिफेंडिंग डेथ ओवर स्पेशलिस्ट स्वाले डिफेंडिंग भाई या और मतलब उसमें से कोई भी डबल डिजिट विन नहीं है. इट्स दैट इज प्रीटी प्रीटी इनक्रेडिबल. एंड इनफैक्ट जो मैचेस हारे भी हैं तो लाइक एक मैच हुआ है जो कराची के हाँ खिलाफ जहां पे लो स्कोरिंग था, अदरवाइज देयर बैटिंग इज एसेंशियली एक्टिंग एज एन एक्स्ट्रा बॉलर हेयर, इन द सेंस के वो इट्स कीपिंग दैम हाँ लॉन्गर इन मैचेस वेयर देयर बॉलिंग इज नॉट गुड इनफ टू मेक दैट डिफरेंस. द बैटिंग हैज पुट अप जस्ट इनफ रन्स दैट दे कैन कीप इट. इट्स फैसिनेटिंग टू वॉच. या आई डेफिनेटली इस इनकी टीम को देख के मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरीके से खेल पाएंगे और इतना अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि यही लग रहा था कि ठीक है एक दो मैचेस आपकी बैटिंग चल जाएगी, मगर अगर आपकी बॉलिंग इतनी इनएक्सपीरियंस है. बट एज यू सेड लाइक अनहेराल्डेड गाइज, इवन लाइक नवीन उलहक, आई ऑलवेज फाउंड हिम प्लेइंग रियली वेल इन T20s, बट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ हाउस होल्ड, इज नॉट अ राशिद खान और समथिंग, बट ही स्लॉटेड इन Yeah, I mean रियली वेल इन गोल्ड. they've utilized Saim as an opening bowler and he's done his Yeah. stuff, man. That's like a very Peshawar this season. It's a very Zalmi thing that they've just used Saim Ayub to open the bowling and he's picked up wickets. He picked up a couple of wickets in one over. Bowled Alex Hales was an absolute beauty, by the way. Wo kya usne Saim ne koi carom ball karai? I was like, my God, this guy can. Is there anything that he can't do? He's a आई स्वेयर. problem. तो And मुझे I think उस वक्त तक लग रहा था कि साइम अयूब का ना थोड़ा वो उमर अमीन टाइप गोल्डन आर्म है कि इसको ओवर दे दें, कहीं ना कहीं सचिन टाइप के वो विकेट ले लेगा. बट आफ्टर दैट एलेक्स हेल्स वन, यू हैड टू बी लाइक नो ब्रो, इसमें स्केल है बॉय में, मतलब दैट्स अ सीरियस विकेट. Yeah, and Jima was saying that, he bowled well in the National T20. He'd actually bowled a हाँ fair bit in the National T20 and picked up wickets in that tournament. So he's clearly been working on it. And I think, the batting, this is, I think if you look at their season overall, बाबर की भी एक दो ट्रबलसम इनिंग्स हुई है इस टूर्नामेंट पे. हम लोगों ने कमेंट भी करा है उस पे. लेकिन लाइक द गुड ऑफ व्हाट कैन हैपन व्हेन यू हैव अ बैटिंग ऑर्डर अराउंड बाबर एंड बाबर इज डूइंग वेल इनफ इन सम ऑफ द गेम्स, दिस इज व्हाट हैपन. यू हैव अ साइम अयूब, यू हैव अ रोहमन पाउल हु कैन कम इन लेटर, यू हैव आई एम जस्ट गोइंग थ्रू देयर फिगर्स एक्चुअली. सो आमिर जमाल ऑफ कोर्स हैड दैट क्रेजी इनिंग्स द अदर डे, बट साइम, रोहमन पाउल, बाबर, हसीबुल्ला हैज प्लेड अ कपल ऑफ इनिंग्स हियर एंड देयर. Harris hasn't actually fired that often yet. That's been, I think, one of my big disappointments of this Yeah. tournament. I really like watching him Although he's play. played a couple उसने of crazy shots. He has played a या couple लाइक of crazy उसके shots. एक दो शॉट्स ने आपको इतना एक्साइट करके छोड़ दिया है कि मुझे बहुत दुख हुआ है. बट आई've एक्सेप्टेड दैट कि आपको यू आर गेटिंग साइम. रियली जो जबरदस्त चीज हो रही है, जो साइम और बाबर ने पिछले दो मैचेस में साथ बैटिंग की है, जस्ट एस्थेटिकली एंड मतलब कि वो कभी होगा नहीं, बट ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार चलो अगर पाकिस्तान सिर्फ एक एंकर और बाकी सारे इन फ्री फ्लोइंग प्लेयर्स के साथ खेल रहा हो, लाइक वी कुड एक्चुअली बी अ फन बैटिंग साइड, एंड इट्स 100%. नॉट गोना हैपन एंड फॉरगेट इट. बट लाइक Also 100%. इस Yeah, better जलमी man. की ये जो ओपनिंग स्टैंड्स में यू रियली फील लाइक ए मैन, क्या दिस इज द मजे हो सकते क्लोजेस्ट वी हैं? विल एवर कम टू इट. या क्या मजे हो सकते हैं अगर इफ पाकिस्तान डेयर टू काइंड ऑफ गो दिस वे एंड जस्ट लाइक लेट साइम लेट हिम लूज मैन, जस्ट लेट हिम लूज नॉट ऑन जस्ट द लेट साइम लूज, लेट दिस जनरेशन लूज, राइट? लाइक कि या आप अभी भी के वो जी रिजवान को खिलाओ और बाबर को खिलाओ और एक और एंकर डाल दो सलमान या अब्दुल्ला या व्हाटएवर. नो ब्रो, लाइक जस्ट लेट ऑल दीज स्ट्रोक प्लेयर्स प्ले. एंड श्योर मैं ये नहीं कह रहा कि आज से खिलाने लगे, काफी यंग है, बट
You'll crash in and the burn next two. sometimes, man, but like, you know, even those will ये be fun crash and burns. एंड या कि मतलब एटलीस्ट आपकी नीयत तो यही होनी चाहिए भाई कि अगले 2-3 साल में अब ये एंकर पैंकर वाली गेमें खत्म करो यार. आप ठीक है, यू टेक विद बाबर और रिजवान, गो विद वन ऑफ दोज. मे बी लाइक टू इफ यू नॉट गोना बैट देम टुगेदर. इफ यू बैट देम फार इनफ समहाउ फ्रॉम ईच अदर आई कैन लिव, बट इट कांट बी मोर देन दैट. यू गॉट ऑल दीज अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर्स. और मुझे मतलब जेन्युइनली बड़ी बहुत डर है इन सब प्लेयर्स के बारे में. यू नो, ख्वाजा नाफे इज ऑलरेडी लाइक इज चाइल्ड हु मेड इट थ्रू लिटरल गोइंग वायरल ऑन हिज टिकटॉक. एंड You know, we'll talk about Quetta next. I guess we can move on to them. But Khwaja Nafay ke baare mein, you can sense ke Kamran Akmal jaise log, Mohammad Hafiz jaise log, jo ex cricketers hai na, wahan pe wo baithe hain, they're just waiting the right time to come out and say, ye dekhiye, is bacche ki besi nahi hai, first class cricket kheli nahi hai isne, aap aise thodi aa sakte hain, jo no look shot, aap social media pe viral ho gaya, aise thodi koi cricketer banta hai. Yeah, you can just, I'm waiting for this already. Like, I know it's gonna happen. चपेड़ लगाना है इन सबको यार कि लाइक दिस यू हैव टू लव द फैक्ट दैट ही इज कम फ्रॉम अ कंप्लीटली साइडवेज बैकग्राउंड, कंप्लीटली लाइक क्रिकेट टेंजेंट, यू नो, जब जो पाथवे है, जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली टेंजेंशियल टू दैट ही इज कम इन. ओके, नॉट कंप्लीटली, बट यू नो, इन द मॉडर्न सेंस आई थिंक ही इज कम क्वाइट साइडवेज इनटू इट, एंड ही इज कम आउट एंड द गाय कैन फील्ड एंड द गाय हैज स्वैग एंड ही कैन बैट, लाइक ही कैन बैट, यू नो, इट्स नॉट जस्ट दैट वो ऐसे शॉट्स मार रहा है बगैर देखे हुए इधर उधर. ही इज अ गुड स्क्वेयर ड्राइवर ऑफ द बॉल, फॉर एग्जाम्पल. ही हैज अ डिसेंट कवर ड्राइव ऑन हिम, फॉर एग्जाम्पल, यू नो. एंड दिस थिंग इज मोस्टली द एटीट्यूड एनी वे दैट यू गॉट अ काइंड ऑफ पे अटेंशन टू. सो यू नो इट ही हैड अ ग्रेट स्टार्ट, ही हैड अ कपल ऑफ इनिंग्स शुरू में फॉर क्वेटा, एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस गॉट रियली एक्साइटेड कि यार क्वेटा की टीम ये बहुत यानी जबरदस्त किस्म की टीम है, विच हैज मे बी बिन डैम्पन्ड अ लिटिल बिट बाय द लास्ट कपल ऑफ गेम्स, स्पेशली टुडे. आज जिस तरह से वो हारे हैं कराची से, बट लाइक स्टिल यू कैन सी देयर रीबिल्ड एंड व्हाट देयर डूइंग मच मोर क्लियरली देन यू कैन सी रीबिल्ड इन अ टीम लाइक कराची. लाइक आई वुड स्टिल से दैट यू सी. एक तो ये है कि क्वेटा के पास हमेशा से जो नदीम उमर का लार्जर क्रिकेटिंग नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर है, देव हैड दैट, विच मीन्स दैट देव गॉट लाइक यू नो दे ऑलवेज हैव सम इंटरेस्टिंग प्लेयर्स प्लेइंग विद देम दैट दे नो हाउ टू यूज वेरी वेल. उसी के साथ साथ यू नो अगेन जैसे कि इस्लामाबाद में नबील हैज बिन विद क्वेटा राइट फ्रॉम द स्टार्ट, हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड विद द काइंड ऑफ पीपल ही इज ब्रॉट इन, द काइंड ऑफ टैक्टिक्स ही इज ब्रॉट इन. सो अगेन यू नो देव गॉट ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी दैट वही जो जहाँ पे एक शनाख्त की आप बात कर रहे हैं, क्वेटा के अपने बुरे वक्त में भी देयर आइडेंटिटी इज देयर. देयर एंड यू नो वन ऑफ द थिंग्स इन देयर आइडेंटिटी इज दैट देयर लॉयल टू अ फॉल्ट, विच इज यू नो आई थिंक आई एम एट दिस पॉइंट आई हैव कंप्लेन्ड अ लॉट अबाउट सरफराज को खिलाना, बट यू नो कि मतलब वही है. इट्स प्रॉबली लाइक यू नो टू एट मिनिमम 2 सीजन्स ओवर ड्यू, विच इज वाइल्ड टू थिंक अबाउट. और आई मतलब यू नो अगेन यू कैन क्रिटिसाइज दैम और वट एवर, बट दिस इज ऑल्सो हु देव ऑलवेज बिन. तो यू नो आई एम गोइंग टू सिचुएशन इतना कॉमिकल है कि बेसिकली नदीम उमर हैज डन व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव सेड, वी हैव गॉन ऑन पॉडकास्ट, वी हैव आवर ओन पॉडकास्ट, वी हैव गॉन ऑन इट एंड सेड यार सरफराज, लाइक आई थिंक ही शुड गो, राइट? नदीम उमर द ओनर, द गाय हु कैन से टू सरफराज दैट लुक इट्स योर टाइम इज अप डू, ही हैज गॉन ऑन अ पॉडकास्ट बैक इन दिसंबर, ही वेंट ऑन अ पॉडकास्ट एंड सेड या यू नो सरफराज इट्स द बिग एलिफेंट इन द रूम, यू नो ही हैज टू गो, गोइंग Yes, and dude, you are the guy who has to tell him to go because you are Nadeem You Omar. are the elephant Tell him trainer he's here. gone forever. I do not understand how he's playing, not just this season, but he's played like six, seven games this season. मतलब वो कंसेप्शन And की वजह he's से एक not done मैच मिस हुआ anything है with the बैट दे. at all. हाँ, उन्होंने ड्रॉप तो नहीं किया है उसको, तो इंजरी की He's वजह not से नहीं done किया. anything with the bat. We weren't expecting. And we weren't expecting him to do anything with the bat because, you know, that's become like the surprise thing. And captain bhi nahi hai wo, you know, they have a new captain. So, I mean, just pull the trigger, man. Just like cut the cord. Ye, like it's necessary because you're literally you're giving him up as a resource to the opposition side.
by having him in your team because you're playing with few forces. आई थिंक जो दूसरी तरफ अगर आप यू नो क्वेटा का कोई फैन होगा तो कहेगा भाई कि आप इतना शोर मचा रहे हैं, वी आर स्टिल व्हाट सेकंड ऑन द टेबल एंड यू नो लाइक अप अंटिल टुडे वो एक्चुअली लुकिंग लाइक मे बी अ टीयर अबव द अदर टीम्स, बट आज कराची से इस तरीके से आप हारे हैं तो बड़ी मजम्मत की बात है. बट आई वुड से कि यू नो सरफराज एंड हिज सेलेक्शन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट देयर बैटिंग हैज जनरली बीन क्वाइट बैड दिस टूर्नामेंट. एंड क्वाइट बैड से मेरी ये मुराद है कि जो इन ब्रिटल इट्स नॉट द मिडल ऑर्डर इज गॉन नो वेयर, देयर काइंड ऑफ यू नो बिन डिपेंडेंट वन थिंग अनदर. बट आई हैव लव्ड एब्सोल्युटली लव्ड हाउ क्वेटा हैज बोल्ड दिस टूर्नामेंट. एक तो क्या आप तीन स्पिनर्स ला रहे हो लाइक अमेजिंग यू नो, क्योंकि हम लोग अबरार और अकील के इस्तेमाल पे इतना खुश हो रहे थे एंड देन दे गॉट लाइक यू नो स्टोनर बाजिद उस्मान खान. द डिलिंक्वेंट बाजिद खान, बाजिद खान जो बिजारो, उन्हीं स्पाइडरमैन का बिजारो, दिस इज बाजिद खान बिजारो, बिकॉज आल्सो बिकॉज यू वुड नेवर एक्सपेक्ट एनीवन एज ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स एज बाजिद. ही वुड नेवर बोल लाइक दैट. लाइक इफ बाजिद बोल्ड, आई एम श्योर ही डज, ही वुड हैव लाइक सम क्लासिकल एक्शन, वट एवर ही बोल्स ही वुड हैव सम क्लासिकल एक्शन. दिस गाय इज जस्ट लाइक नाह, यू नो व्हाट, दिस गायज फादर वाज प्रोबेबली, I don't know, like, what's the opposite of a cricketer? This guy's father's probably a footballer or something. Like, नहीं, आई मीन ही like वो बिल्कुल बॉलिंग ऐसे कराता है जैसे कोई शराब पी के अपने यू नो गली में जो मोहल्ले का शराबी अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है, कि वो भटक रहा है, वो एक एक दरवाजे को खटखटा रहा है, फिर रुक रहे दूसरे हैं, सोच को, रहे हैं कि फिर वो साइम अंदर आने लगा है, रुक जाता है, फिर अंदर आता है तो... एक सेकंड में वो रुकता है, सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, फिर बॉलिंग कराते हैं. He's just like, what? He's been but you great know though. he's been great. Abrar has had exactly the season that you would want Abrar at this stage of his career to have. You know, 2 साल से वो कायदे आजम में विकेट ले रहे हैं, टेस्ट डेब्यू करा उसमें विकेट ली, वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए था, मगर माशाल्लाह पाकिस्तान के सिलेक्टर्स व्हाटएवर इंजरी हो गई. यू नो, इज कैरिंग एन इंजरी एज वेल, मिस द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, विच एक्चुअली मे बी डिडंट एंड अप सच अ बैड थिंग फॉर हिम. समटाइम्स यू गुड टू मिस आउट ऑन सीरीज लाइक दैट, बट यू नो, इफ यू बिकॉज यू ऑलवेज इनिशियली थॉट ऑफ हिम एज द व्हाइट बॉल सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स इन द मिडल ओवर्स एंड स्टाफ, एंड नाउ ही इज डूइंग एग्जैक्टली दैट. इज बोलिंग इन द पावर प्ले, ही इज बोलिंग जस्ट आउटसाइड द पावर प्ले. आई डोंट थिंक ही इज बोल्ड एट द डेथ सो ऑफन, बट ही इज like he's done everything and he's been so good. He's been so good. Him and Akil Hussain have been absolutely, and Akil Hussain, dude, like, you know, Quetta ki, Karachi ki jo ek shanakht hai Quetta mein, Akil Hussain jaisa naam, usse zyada Karachi kya chala. मेरे पुराने बुखारी के जो ट्रैवल एजेंट होते थे ना, बुखारी ट्रैवल्स का जो एक ट्रैवल एजेंट था, बहुत मेरा फेमस, बहुत मेरा जिगरी वो ट्रैवल एजेंट था अकील, उसका नाम भी अकील हुसैन था. बड़ा यार था मेरा, वो हमेशा उससे मैं कहता था यार अकील भाई टिकट हुई है नहीं है, यार उस्मान भाई आप फिक्र क्यों करते हैं, आपकी बस देखिए कितने बजे फ्लाइट है. मैं कह रहा हूँ आज अभी 2 घंटे में सर बस हो जाएगी, वो आप फिक्र ना करें हो जाएगी. फिर यू बी लाइक नो नो क्यों नहीं हो. ये अकील हुसैन इज लाइक अ वेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट हिम एंड अब्रार हैव बीन एब्सोल्युटली लाइक फिनोमिनल. यू थ्रो इन उस्मान तारिक, आई थिंक द ओनली इशू, आमिर हैज हैड अ वेरी गुड सीजन. वेल, ही हैज हैड अ गुड सीजन. Amir's had a decent season. आमिर हैड अ सीजन वेयर ही इज बीइंग आस्क्ड, काफी दफा पूछ चुके हैं कि भाई आप कौमी टीम में आना चाहते हैं या नहीं, हाँ, जो ही वाज पर्सोना नॉन ग्राटा इन द टीम या, एंड एवरीवन वाज हैप्पी दैट ही वाज गॉन, राइट? लाइक इट वाज जस्ट लाइक हां भी खत्म हो गया आमिर. आमिर रिजुविनेटेड, मोहम्मद वसीम इज लुकिंग रियली या, सेक्सी विद लाइक only एज एन Hasnain ऑलराउंडर who's kind of प्लेयर. looking not there. I think Hasnain का injury और action चेंज होने के बाद से ही इज बीन लाइक ही इज प्रॉब्ली ऑन द डाउन टर्न दिस सीजन, एंड सो दे हैव ऑलवेज वंडर्ड वेदर टू प्ले हिम और नॉट, एंड इंस्टेड प्ले 3 स्पिनर्स. And I would say वो अभी भी he's shown some flashes. He wasn't you know हाँ was आज वैसे भी उनके पास कोई टारगेट भी नहीं था तो वो भी एक मसला या था, बट ही शोन सम फ्लैशेज. बट अगेन जैसा कि कहा कि इंजरी एक्शन के बाद वापस आ रहा है तो आप उसको थोड़ा लीवे दे सकते हैं, मगर उसके अलावा क्वेटा आउट ऑफ आई थिंक ऑल द साइड्स रियली आर द वन टीम जिनकी बॉलिंग इज हेल्पिंग दम ओवरकम अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक देर देर 100%. बैटिंग यू नो साउथ शकील ने शुरू अच्छा किया था, बट इस काइंड ऑफ यू देर ऑलरेडी काइंड ऑफ लॉस्ट देयर फॉर्म इन दैट टॉप टू मिडल ऑर्डर.
मगर क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, दे हंग अराउंड कैरी एंड देयर एट नंबर टू राइट नाउ, एंड Their middle दे order वुड is बी like the problem right now. You know, Nafay at three, he struggled after the first couple of innings or whatever. Phir Riley Rousseau has had a poor season, which is surprising. Sarfraz has been non-existent. You know, Shafin Rutherford has done a couple of things every now and again. But that middle शिवेन order, रदरफोर्ड इज आज लाइक numbers वन और देखे थे जीरो ना, सुबह या में तो हम आपको लोग. मैच You know, जिता रहा है या वो they're कुछ नहीं कर रहा है। effectively the worst performing middle order in the league right now. Like, you know, average wise, I think they're second from bottom, and strike rate wise, they're bottom. So it's been pretty terrible, which just makes their bowling all the much better and all the much more fun. And I feel like we're 50 minutes in, and I feel like yaar bas yahi pe show khatam kare because I don't want to talk about Multan, man. It's just like, yeah, whatever, yeah. Germany, Australia. You know, I don't know, just name some NFL team or something who are just like unsexy and winning all the time. Like, you know, that's another. Patriots. Yeah, they're like mid-era Djokovic. You know, अब तो जाके वो बुढ़ा हो गया तो और मजा आता है उसे देखने में. मगर mid-era जो Djokovic था, when he had trampled Nadal and Federer and he was just rising still. Just yeah, he's good, but you know, just man, just unsexy. And the only bit of sexiness about Multan has been actually Ifti. I was waiting for that. Only bit of color. मुझे वही मैं मुल्तान के बारे में, आई थिंक दे डू डिजर्व सम फ्लावर्स, क्योंकि They do. सिंस दे पहले वो शॉन ग्रुप में थे एंड दे हैड एन ओके स्टार्ट, बट एवर सिंस दे बीन विद द तरीन फैमिली, एंड वेदर यू वांट टू एट्रीब्यूट दैट टू द तरीन्स और नॉट इज अनदर थिंग, बट मुल्तान बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम इन द PSL फॉर ऑल दैट टाइम, एंड पर्टिकुलरली तीन लगातार फाइनल खेल चुके हैं और अभी एक दफा फिर से. आई थिंक उनकी जो वही हमने पहले भी बात की है कि बहुत सब लोग कहते हैं मुल्तान से बाहर निकलो फिर देखते हैं, दे प्लेड टू रियली गुड मैचेस आउटसाइड ऑफ मुल्तान, एंड जिस तरीके से उन्होंने डराया था, ये इफ्ती ने जो जो एंड तक हाँ, खींच लिया था वो मैच, पेशावर से. इट वॉज या इट वॉज आई थिंक फॉर मी वॉज रियली अमेजिंग, बिकॉज दैट वॉज वन गेम वेर देर लुकिंग लाइक ओके हाँ, मुल्तान फाइनली फाउंड देयर मैच टूडे देयर बैट, एंड देयर इन देयर देयर जस्ट 4 रन अवे फ्रॉम इट, और उस तरीके में मतलब वही है कि उन्होंने वो घसीटी पिचेस पे भी मैच खेल के जीत लिए हैं, देव वन देम एट लाइक हाई स्कोरिंग मैचेस, देर रियली गुड हमने एट हमने चेजिंग. काफी पहले कंक्लूड कर दिया था उनके साथ कि इन्हें ट्राउंस करना बहुत मुश्किल है. लाइक हर गेम में, यू नो, दे माइट ओकेजनली ट्राउंस द ऑपोजिशन, बट यूजुअली दे विल कीप इट फेयरली क्लोज, बट दिल बी एफिशिएंट एंड दिल विन इट. लाइक, यू नो, एंड यू नो, दे बीन गुड यार. एवरी सीजन दे फाइंड अ फास्ट बॉलर हु डज समथिंग फॉर देम. इस साल मोहम्मद अली विकटे ले रहा है, ऑल्दो मुल्तान के बाहर उसकी परफॉर्मेंस एकदम जैकल एंड हाइड टाइप सीन है. But you know they're smart. They've got David Willey. Osama Meer has had a standout season. Osama Meer has had a standout season. Although usme bhi mujhe, you know, he's been so good, but I feel like I don't know. Like this other, like I would rather watch Arif Yaqoob or मैं कहने Quetta. लगा था कि आई थिंक मुल्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी कोई भी कहानी इतनी मजेदार नहीं है, राइट? कि आपके पास जैसे रिजवान एट दिस पॉइंट इज जो जो उस कभी भी कोई क्रैम्प और इंजरी होती है तो आई थिंक पूरा पाकिस्तान अब अपनी आंखें रोल कर रहा है ना, इट्स गॉटन वेयर इट्स जस्ट इट्स नॉट उसके इवन मेकिंग खानदान यू वाले एंग्री एनी मोर, लाइक यू जस्ट लाइक एवरी वंस टायर्ड. यार, बेटा फिर से हाँ तुमने ये कर यार कुछ और कर लो भाई, तो एक आपका ये हो गया. अब धानी था उनका एक बड़ा हाँ वेरी मीम एंड फलाना ढिमकाना, धानी इज हैविंग अ बैड टूर्नामेंट, देन यू गॉट समवन लाइक विली या हुज गुड बट लाइक नो वन लव्स विली इट दिस पार्ट, वो सही तरीके से जो जो सैमी और वीसा टाइप वो होते हैं कि अच्छा चलो वो लाइक दे हैवन गॉट दैट गोइंग, वही अगेन हाँ एहसानुल्लाह हैड अ बिट ऑफ अ फैन बेस, ही इज नॉट अराउंड दिस सीजन, हाँ एक इंजर्ड आई आउट थिंक कि इंजर्ड वो है कि दिस जस्ट दिस उस्मान खान नो हैज बीन नाफे और साइम दैट यू कैन गेट एक्साइटेड अबाउट, मोहम्मद अली का थोड़ा सा था एंड आई वाज रियली जस्ट व्हेन आई वाज गेटिंग ऑन दैट बैंड वैगन, ही हैड टू बैड मैचेस बट ही इज गॉट अ ग्रेट निकनेम. आई थिंक विद मोहम्मद अली जो मुझे सबसे बड़ा मसला ये था कि अली तरीन्स बीन डूइंग हिज सेलिब्रेशंस व्हिच आई जस्ट आई लव सेलिब्रेशंस बट दे हैव टू कम फ्रॉम द विकेट टेकर, दे कैन नॉट कम फ्रॉम सम अदर गाय.
Yeah, like किसी that's not on. दिन शायद शायद किसी दिन शायद किसी पॉडकास्ट पे, शायद इसी पॉडकास्ट पे हम लोग कंफर्म करके आपको मोहम्मद अली का निकनेम भी बताएंगे और उस निकनेम की वजह भी बताएंगे, बिकॉज इट इज हैंड्स डाउन द क्रेजीएस्ट स्टोरी. आई डोंट नो इफ वी कैन से इट राइट नाउ, बट इट्स हैंड्स डाउन. इट साउंड्स लाइक, आई डोंट नो, इट नो साउंड्स लाइक बट अ वो जो क्रेजी वॉइस स्टोरी. नोट भेजा था तो उस पर वो रिफ्यूट नहीं हो गई थी स्टोरी. रिफ्यूट नहीं हुई थी ना. एनीवेज द स्टोरी इज के उसका निकनेम है डेजी एंड इट कम्स फ्रॉम द ग्रेट गैट्सबी. By the way, I think Ruj Mumtaz on commentary the other day was saying something about how he loves reading his books and stuff. तो ये I think या अब ये एक चीज निकल रही है कि हाँ ये है. यार मगर किताबें आने, I don't know. Wow, that's I just want के मुल्तान अगर फाइनल खेले तो जीत जाए. बिकॉज आई जस्ट लाइक हाँ हेट द बैड जूजू ऑफ लाइक इतने आप That हार would रहे be हैं. only दैट्स like that would be only fitting narrative end to Multan season and their last like three seasons, that they have to win it. If you're going to be that good and that efficient through the season, then you really have to just like go and win it. या एंड कोई Otherwise, go away. एंड पर्टिकुलरली क्यों पिछली दफा मतलब यू लिटरली लाइक यू नो अ वन शॉट अवे फ्रॉम बीटिंग लाहौर. इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज गेम. तो वो है कि आई वांट देम टू विन बट या और डोंट मेक इट टू द फाइनल बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट टू क्रूल दैट वे. बट पैसल वो अक्रम है इज वेरी गुड. कि पैसल अक्रम वाज अ नाइस थिंग टू उफ सी. आई हैव लव्ड वाचिंग एक्चुअली. हाँ, यस पैसल फैसल अक्रम वाज अक्रम गुड. इनफैक्ट अगर ज्यादा ही टूर्नामेंट खेलता तो आई एग्जैक्टली, फील अभी दो ही हम मैच लोग खेले बट पैसल डेफिनेटली. अक्रम आई वाज रिमेम्बरिंग ही वाज ही लाइक ही इज द गाय हु फॉर मी मेक्स वाचिंग मुल्तान सुल्तान वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन ही प्लेज. I'm इन मुझे बल्कि PSL में इस PSL में जो बड़ी खुशी हुई है. एंड आई थिंक फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स लाइक आई हैव डेफिनेटली नॉट बीन फॉलोइंग क्रिकेट वेरी क्लोजली. सो मे बी सम ऑफ दीज स्टोरीज आई एम जस्ट लेट टू. बट आई हैव जस्ट रियली एंजॉयड दिस काइंड ऑफ न्यू जनरेशन दैट्स इमर्जिंग इन फ्रंट ऑफ आर आईज. वेदर इट्स लाइक नसीम्स यंगर ब्रदर्स और यू नो दी स्ट्रोक मेकर्स फ्रॉम कराची. वेदर इट्स लाइक हाँ यू नो समवन लाइक जहां लाइक एंड आई एम नॉट सेइंग कि जहानदाद और आरिफ याकूब वगैरह आर नेशनल टीम में खिलाओ इनको. आई नो, डोंट केयर अबाउट दैट. आई एम इट जस्ट लाइक आई एम जस्ट डिडंट नाइस टू सी सम न्यू एक्साइटिंग स्टोरीज सम न्यू एक्साइटिंग स्टार्स. एंड यस हैपन. दिस फैसल किड्स लाइक इसकी मैंने जब भी बॉलिंग देखी है आई एम लाइक ओ मैन आई एक्चुअली वांट टू सी हिम बॉल विद अ रेड बॉल बिकॉज ही गेट्स सम रियली क्लासिकल डिलीवरीज डाउन. एंड सो या ही इज डेफिनेटली वन ऑफ देयर मोस्ट एक्साइटिंग वंस. एंड आई थिंक वही है कि मुल्तान के एक पाकिस्तानी लीग और एक पाकिस्तानी शो पे उनकी इसलिए भी तारीफ नहीं हो रही बिकॉज दे आर डूइंग अन पाकिस्तानी थिंग्स व्हिच इज बीइंग कंसिस्टेंट व्हिच इज बीइंग शोइंग अप फॉर एवरी गेम एंड नॉट बीइंग एन इजी टीम टू बीट. Efficient in their वो catching. लिटरली था कि भाइयों देखो वी आर स्टिल वन ऑफ यू लाइक ब्रो एट सम Efficient पॉइंट लाइक आई थिंक आई स्टॉप काउंटिंग एट लाइक 12 कैचेस ड्रॉप्ड I think और David Willey 14. said it in yesterday's game. David, before yesterday's game, David Willey said that there had been 20 to 20 or 21 drop catches. Yeah, David Oh Willey said my that in like the pre-game thing. 2021 means कि आप हर मैच में तीन कैचेस छोड़ रहे हैं एंड यू आई आठ मीन मैच हो गए, नहीं 7 मैच हुए, 8 मैच हुए, 8 मैच हो गए इनके मुल्तान के. नहीं, हाँ 8 मैच हो गए हैं. तो आप यानी यू आर ड्रॉपिंग टू टू एंड हाफ कैचेस एवरी मैच. माय गॉड ड्यूड क्रेजी. एंड दे आर स्टिल लाइक दैट्स टॉप ऑफ द टेबल कंफर्टेबली. या आई थिंक. और ये दैट्स वन ऑफ दोज फैक्ट्स जहां पे ना फिर पूरी लीग का नाम खराब होता है कि 25 कैच छोड़ के भी ये डोमिनेट कर रहे हैं. तो इस तरह की लीग है. या दे नीड टू गेट देयर शिट टुगेदर. बट एनीवेज वी होप दैट यू've enjoyed दिस एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ द PSL साइड्स. डीपली एनालिटिकल. हाँ और बेसिकली वही था कि हम अब जो नो, दूसरा शो करते हैं वो 15 मिनट पर खत्म हो जाता है. और यू नो वो उस्मान और मैं वसीम भाई की तरह के पहली तीन चार वाइडे कराते हैं और अभी मतलब हाथ खुल रहा है और जैसे ही खुलता है तो वो शो खत्म हो जाता है. तो आई थिंक हमें चाहिए था कि भाई अपना पूरा एक 50 मिनट का सेशन खेलें. लॉन्ग स्पेल करें थोड़ा. एंड सो या वी विल प्रॉब्ली ट्राई एंड कम बैक नियर द एंड ऑफ द टूर्नामेंट और समथिंग लाइक Yeah, दैट. maybe we'll. I think we'll try for the playoffs at some point Yeah, before let's the keep end that of in mind. the I love this is one of those Nadeem Omar things, right? Okay. Yeah, I wonder when Butterfast will get a chance. I hope Butterfast can come on here. Yeah.
wonder who decides that. I wonder who has a say in this. Who could it be? I don't know. Surprise, we have to get rid of him. How? I can't. Yeah, well, you know, it's easy when it's not on you, but hamare upar bhi aaye to hum bhi wahi harkatein kar rahe hain. So, you know. Exactly. But yeah, thank you for watching Batta Fast. And apologies for some of the galiyan I've used there, but there's just no other way to talk about Karachi Kings. So, you know, you'll have to live with that. But yeah, we'll see you again, hopefully, within a week or so. Yes, but, within a week. All right. Thank you and bye.